दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील मोदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो थर्मल रिसीव प्रिंटर है जो कि क्लोज बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, चाहे आप SBI, PNB, BOB या किसी भी बैंक का बैंक क्लोज चला रहे हैं, तो उसमें आप अपने ग्राहकों को डिपॉजिट, विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र या जो भी काम होते हैं उसकी थर्मल प्रिंटर से रिसीव दे सकते हैं। दो वीडियो में इस पर पहले बना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि थर्मल प्रिंटर क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कितने का ये आएगा, किस टाइप से इसमें रोल लगेगा। दूसरा वीडियो मैंने बनाया हुआ था कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करोगे। आज ये इसका तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि इसको पेज सेटअप कैसे किया जाता है, क्योंकि यही इस प्रिंटर को उपयोग करने का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है। सामान्यतः जो लोगों ने परचेस कर लिया होगा या पहले भी कभी ख़रीदा होगा तो उनको एक शिकायत रहती है कि जब हम कभी प्रिंटआउट देते हैं तो ये लगातार प्रिंट निकालता जाता है, जबकि मात्र एक छोटी सी सेटिंग से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं थर्मल प्रिंटर के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ पर जाके वो देख सकते हैं। साथ ही यदि आप ये प्रिंटर ख़रीदना चाहते हैं तो अमेजन की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अमेजन के उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप इसको ख़रीद सकते हैं। यदि आप चाहें तो वहां पर जब अमेजन पर आप जाओगे तो और भी मॉडल आपको सजेस्ट किए जाएंगे। आपको यदि कलर वाइज या मॉडल वाइज कोई दूसरा लेना है तो आप ले सकते हो, बस आप इतना याद रखिएगा कि 58 mm के प्रिंटर ही आपको वहाँ पर लेना है, ठीक है। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले लग सके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पिछले दोनों वीडियो का अनुभव ये रहा है कि आप सभी लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बताया हुआ। जैसे बहुत सारे मित्रों ने पूछा कि थर्मल प्रिंटर में इंक लगती है या नहीं, जबकि मैंने वीडियो में बताया था कि इसमें कोई भी इंक नहीं लगती है। रोल की कीमत पूछी, मैंने उसमें भी बताया था कि इसमें जो पेपर रोल लगता है वो 15 रुपये और 25 रुपये का आता है। तो इसी तरह इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको पेज सेटअप की किस तरह से सेटिंग करनी है, ताकि आपको इस प्रिंटर को यूज़ करने में कहीं से भी असुविधा ना हो। दोस्तों अगर आप कोई भी बैंक क्योस्क चला रहे हैं तो आप ये तो जानते होंगे कि बैंक का जो क्योस्क का सॉफ्टवेयर है वो केवल और केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही चलता है। तो ये भी याद होगा कि उसमें जब सेटिंग होती है तो वो बहुत सारे पॉपअप को, बहुत सारे एड ऑन को बंद कर देता है, बहुत सारे को वो चालू कर देता है। तो नॉर्मली आप जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे होगे उसमें आप पेज का सेटअप नहीं कर पाओगे, नॉर्मली वो पेज सेटअप बंद होगा। तो आपको किस तरह से ये करना है ये मैं आपको एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, इसमें आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे या रन में आप जाओगे तो आप यहाँ पे लिखिएगा इंटरनेट, तो आपको दो प्रकार के दिखाएगा। यहाँ पर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखा रहा है और एक दिखा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर नो एट वंस, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल वाला ओपन करके दिखाता हूँ। यदि आप यहाँ देखोगे तो ये पेज सेटअप डिसेबल है, ना आप यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं, ना आप यहाँ पर प्रिंट दे सकते हैं और ना ही यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का क्योस बैंकिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अब आपको करना क्या है, आप स्टार्ट में यहां पर जाइए और यहां लिखिए इंटरनेट, तो ये दिखाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर नो एट वंस, आप इस पर क्लिक करिए। अब आप देखिए फाइल मेनू में जाओगे तो ये पेज सेटअप, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें ऑन है। अब चूंकि ये ऑन है तो आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर पेज सेटअप में जाइए। आप देखिए सबसे पहले
तो ये प्रिंटर का नाम यहाँ पर आ रहा है, प्रिंटर का नाम कुछ भी हो सकता है, आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा भी अगर आप देखोगे तो ये जो मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट इंच में होता है, और इंच में होने के कारण ये 0.75, 0.75 मतलब 1 इंच से थोड़ा सा कम है, जबकि पर्ची तो बहुत छोटी होती है। तो आपको सारे मार्जिन में 0 0 0 लिख देना है, लेकिन जब आप टैब मारते हो तो 0 की जगह उसने जैसे ऑटोमेटिकली 0.197 ले लिया, ऐसा कुछ भी वो एक वैल्यू ले लेगा। तो जो 0 नहीं भी हो पा रही है लेकिन लगभग वो 0 के आसपास होगी तो उसको आप वैसा ही छोड़ देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो आपको देखना, देखिए यहाँ पर हेडर में लिखा है टाइटल, यहाँ सब जगह आपको एमपीटी कर देना है। फुटर में भी आके आपको एमपीटी करना है, पेज नंबर में एमपीटी करना है, डेट और ये आखिरी में जो भी ऑप्शन था उसको भी आपको एमपीटी कर देना है। एमपीटी का मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ प्रिंट हेडर या फुटर में नहीं करनी है। नॉर्मली आप देखिए यहाँ पर हेडर के नीचे 3 लाइन दे रहा है जहाँ पर मैंने एमपीटी किया है, फुटर में 3 दे रहा है, तो हेडर और फुटर के भी 3 सेक्शन होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर। तो वो ये जानना चाहता है कि आप हेडर में सेंटर में क्या देना चाह रहे हो, लेफ्ट में क्या देना चाह रहे हैं, राइट में क्या देना चाह रहे हैं। इसी तरह वो फुटर का भी जानना चाहता है कि फुटर में आखिरी में आप सेंटर में लेफ्ट में राइट में क्या प्रिंट करना चाह रहे हो, तो अपन ने उसको एमपीटी कर दिया। अब वो केवल और केवल जो कियोस्क बैंक की रसीद निकलेगी केवल उसी को वो प्रिंट करेगा, और एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। मात्र इतनी सेटिंग से आप अपना थर्मल प्रिंटर का पेज सेटअप कर सकते हैं और जो आपकी रोल लगातार निकलने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार की टेक्निकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले लग सके। और जो भी लोग प्रिंटर खरीदना चाहते हैं तो उस प्रिंटर की अमेजन से परचेज़ की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।